आलिया भट्ट के साथ रणवीर सिंह एक और फिल्म में आएंगे नजर। और खास बात ये है कि रणवीर को इस फिल्म में डायरेक्ट करेंगे संजय लीला भंसाली। जी हाँ, रणवीर सिंह अपने फेवरेट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ फिर से काम करने जा रहे हैं। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फिल्म में रणवीर की गली बॉय को स्टार आलिया भट्ट लीड रोल प्ले कर रही हैं। और सोर्सेस के अकॉर्डिंग वो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में एक पावरफुल कैमियो के लिए संजय लीला भंसाली को किसी ए लिस्ट एक्टर की तलाश थी और उन्होंने फिर अपने फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह को ये रोल ऑफर करने का फैसला किया, जिसे रणवीर इनकार नहीं कर पाए। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, इट्स अ वेरी पावरफुल कैमियो एंड रणवीर कांट से नो टू संजय लीला भंसाली एवर। On top of that, the film has Alia Bhatt in the lead. Alia and Ranveer have shared a special rapport from the time they worked together in Gully Boy. So Ranveer has absolutely no reason to decline the offer. Well, Gangubai Kathiyawadi ki kahani Mumbai underworld aur flesh trade ke dark secret par roshni dalegi. Saath hi isme ek ladki ki himmat aur guts ko Sanjay Leela Bhansali silver screen par achhi tarah se dikhayenge. जा रहा है कि ये फिल्म आलिया भट्ट के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म बन सकती है। शायद यही वजह है कि सलमान खान के साथ इंशाल्लाह शेल्व होने के बावजूद आलिया ने अपने डेट्स किसी और फिल्म को नहीं दिए। क्योंकि संजय लीला भंसाली ने आलिया से वादा किया था कि वो उन्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म की लीड एक्ट्रेस बनाएंगे। वैसे ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से खड़े हुए हालात में अभी फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं की जा सकी है। लेकिन सोर्सेस का ये जरूर कहना है कि संजय लीला भंसाली ने अगस्त महीने से फिल्म को शुरू करने का डिसीजन लिया है और एक महीने में वो पूरी फिल्म की शूटिंग को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बात करें आलिया भट्ट की दूसरी फिल्म्स की, तो पैंडेमिक के दौरान आलिया की सड़क 2 अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, जिसकी अनाउंसमेंट हाल ही में आलिया भट्ट ने की थी। Watch E Town News Monday to Friday at 9:30 PM only on Zoom.